जय हिंद दोस्तों, नमस्कार साथियों, मैं आपका अपना चीनू सैदपुर एक बार फिर आपके साथ। चीनू सैदपुर फिजिकल ट्रेनिंग फाउंडेशन मोदीनगर में आपका स्वागत है। दोस्तों, बहुत से भाइयों की कमेंट्स आ रही थी कि आप लोग आर्मी अग्निवीर पर वीडियो बना रहे हैं, परंतु आपने एमईएस पर एक वीडियो बना के या दो वीडियो बना के छोड़ दिए हैं। उसमें हमें बताइए कि आपने बताया था कि शॉर्ट नोटिस आएगा, परंतु शॉर्ट नोटिस के बाद कोई भी जानकारी नहीं आई है। तो दोस्तों, मैं आप पूरी डिटेल्स वीडियो में देने वाला हूं। आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को स्किप ना करें। दोस्तों, आर्मी एमईएस रिक्रूटमेंट, एमईएस है क्या? एमईएस है मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस। तो दोस्तों, उसमें वैकेंसी आनी है, मैं आपको दिखाऊंगा, एक वेबसाइट के माध्यम से आपको दिखाना चाहूंगा मैं। ये है सरकारी जॉब पोर्टल के हिसाब से 42,000 वैकेंसी। तो मैं दोस्तों पूरी डिटेल्स आपको दूंगा। आप लोग सुने, इसमें एक शॉर्ट नोटिस जारी हुआ था कुछ समय पहले, उस पर मैंने वीडियो भी बनाई थी कि भाई आने वाले समय में एमईएस की आपको वैकेंसी देखने को मिलेंगी। हाँ दोस्तों, आने वाले समय में आपको एमईएस यानी मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस की जो वैकेंसी है वो देखने को मिल सकती है। परंतु दोस्तों, 15 तारीख तक कुछ भी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि G20 की मीटिंग पहली बार इंडिया में हो रही है, तो 15 तारीख तक सभी ऑफिस, सभी काम बंद है, 5 तारीख से 15 तारीख तक। तो 15 तारीख तक तो कोई भी नोटिस नहीं आएगा, उसके बाद नोटिस आने के पूरे पूरे चांस लग रहे हैं, क्योंकि ये SSC के थ्रू भी हो सकती है। और इसमें पहले होता था दोस्तों फिजिकल, परंतु अब की बार एग्जाम होने के भी पूरे पूरे चांस बन रहे हैं, क्योंकि सभी में जितनी भी आप देख रहे हैं फोर्सेज, आर्म्ड फोर्स हैं, उनमें पहले एग्जाम की प्रक्रिया को पहले माध्यम बनाया जा रहा है। सभी देख रहे हैं इस बात को। आप इसमें मैं बता दूं दोस्तों, इसमें एज क्या है? इसमें एज 18 मिनिमम है और मैक्सिमम एज 30 ईयर। इसमें 12th 10th ये भी चल सकता है दोस्तों। इसमें फीमेल की भी है भर्ती, परंतु फीमेल की कम है और जो मेल है उनकी बहुत ज़्यादा है। अब दोस्तों आते हैं हम इसमें हाइट देख लो आप लोग, मेल कैंडिडेट की 162 और जो नॉर्थ जोन के हैं यानी कि पहाड़ी क्षेत्र के हैं उनकी 160 भी चल जा सकती है। इसमें मेल कैंडिडेट के लिए क्या होता था, इसका जो रनिंग डिटेल्स है, ये रनिंग डिटेल्स है इसकी दोस्तों, 26 किलोमीटर वॉक इन 4 आवर्स। फीमेल की है 16 किलोमीटर वॉक इन 4 आवर। अब इसमें होता क्या है, उसके बाद सिलेक्शन प्रोसेस, फिजिकल वेट चेस्ट हाइट पहला जो होता आ रहा था पहले, उसके बाद रिटिन, उसके बाद मेडिकल, उसके बाद मेरिट लिस्ट पर रूल, जो उनके रूल्स हैं कंडीशन है उसके माध्यम से सारी मेरिट बनती है इसकी। दोस्तों अब मैं आपको बताने वाला हूं कि इसमें ऑनलाइन फॉर्म की जो तारीख दे रखी थी, वो दे रखी थी 10 जुलाई, जो कि नहीं आई। एक शॉर्ट नोटिस आने के बाद ही सारा सिस्टम बंद हो गया, परंतु अब जो इसमें आने वाली है वो 15 तारीख के बाद आपको कुछ देखने को मिलेगा। परंतु आप लोग अगर तैयारी कर रहे हैं दोस्तों एमईएस की, तो आप रिटिन की भी तैयारी इसके साथ बढ़ा दें, क्योंकि एमईएस में एक ऐसा चांस है जिनकी उम्र निकल चुकी है, टेरिटोरियल आर्मी की तैयारी कर रहे हैं और वे रिटिन की तैयारी कर रहे हैं, तो आप लोगों को दोस्तों इसमें बहुत बेहतरीन मौका होने वाला है, क्योंकि टेरिटोरियल आर्मी में 42 साल उम्र ली जाती है और इसमें एमईएस में 30 साल उम्र ली जाती है। तो दोस्तों आप लोग तैयारी करते रहें, बिल्कुल भी तैयारी ना छोड़ें। जैसे ही इसका नोटिस आएगा दोस्तों आपके पास वीडियो के माध्यम से, या जैसे भी हम आप लोगों को इसका नोटिस देने की, नोटिफिकेशन देने की पूरी कोशिश करेंगे सबसे पहले। और दोस्तों आप लोग अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपका सहयोग ही हमें ऊंचाइयों तक ले जाने की कोशिश करता है। और दोस्तों एक चीज़ और, इसकी जो है ये एमईएस की परमानेंट भर्ती है आर्मी में, और इसका जो लिंक है ना वो डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग देख सकते हैं। आप इंस्टाग्राम आईडी चीनू सैदपुर फिजिकल भी फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों हम इस वीडियो के माध्यम से एक चीज़ और बताना चाहूँगा आप लोगों को, कि जितने भी भाई आर्मी अग्निवीर वाले हैं और ट्रेडमैन वाले हैं दोस्तों, कमेंट करके बताएं, उनके लिए वीडियो हम आने वाले समय में बना देंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।